गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारण, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर अकेडमी पे। डियर स्टूडेंट, आज ये वीडियो बहुत अच्छा होने जा रहा है। इसमें बीए सेकंड ईयर के फर्स्ट पेपर के बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि किस तरह से 90% स्कोर किया जाए। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। किसी भी तरह की दिक्कत के लिए आप हमें ज़रूर फ़ोन करें, कमेंट जरूर करें। तो आइए अब वीडियो शुरू करते हैं। देखो, सेक्शन ए में आपके ब्रिटिश पोएट्री है, जिसमें आपके ग्रे की एलेज रिटन कंट्री चर्च यार्ड है, ब्लैक के लंदन और टाइगर है, वर्ड्सवर्थ के दो पोएम है, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस और सोलिटरी रिपर, कोलरिज के एंशिएंट मरीनियर, बायरन की देयर इज ए पाथलेस इन द वुड और पीबी शेली की ओड टू द वेस्ट विंड और किट्स की ऑटम। अब यहाँ पर हमें कौन कौन सी कविताएं याद करनी है, तो देखो आपके एक्सप्लेनेशन भी आएगी, शॉर्ट क्वेश्चन भी आएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन भी आएंगे। तो मैं कहना चाहूंगा कि आप जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, इसमें आप ब्लैक की एक टाइगर है जो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, सोलिटरी रिपर है वर्ड्सवर्थ की, और यहाँ पे देयर इज ए प्लेजर इन द पाथलेस वुड, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, और ऑटम, ये चार कविताएं मेरे अकॉर्डिंग 2023 के एग्जाम के लिए लॉन्ग क्वेश्चन के लिए सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप ब्लैक को, ब्लैक के लंदन और द वर्ल्ड इज टू मच विद अस और द एंशिएंट मरीनियर और ओड टू वेस्टविंड, ये जो कविताएं हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपको और एक्सप्लेनेशन के लिए आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखना, टाइगर में से, सोलिटरी रिपर में से आपके लॉन्ग क्वेश्चन के भी आने की पूरी संभावना है और एक्सप्लेनेशन के आने की भी पूरी संभावना है, क्योंकि आपके लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, एक्सप्लेनेशन भी आते हैं। तो आप एक्सप्लेनेशन के लिए लंदन को, टाइगर को, सोलिटरी रिपर को लर्न कर सकते हो। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं अपन सेक्शन बी में, जिसमें एजिकेल के इंटरप्राइजेज है, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन है, कमला दास की माय ग्रैंडमदर हाउस है, द लुकिंग ग्लास है, अरुण कोलटकर की ओल्ड मैन, द बस और चैतन्य है, रामानुजन की एरिवर, ओबेचुरी और ऑफ मदर अमंग अदर थिंग है। इसमें से आपको ये इंटरप्राइजेज जो है और नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन जो है, ये दोनों लर्न करनी है, क्योंकि दोनों में से लॉन्ग क्वेश्चन के और शॉर्ट क्वेश्चन के और एक्सप्लेनेशन के पूरी आने की संभावना है। फिर अपन चलते हैं इसमें कमला दास की जो लुकिंग ग्लास है, लुकिंग ग्लास में से 101% आपके लॉन्ग क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन के आने की पूरी संभावना है। अरुण कोलटकर की जो द वुमन है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रामानुजन की अगर मैं बात करता हूं तो ओबेचुरी और ऑफ मदर अमंग अदर थिंग को आप लर्न करें लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए और एक्सप्लेनेशन के लिए। याद रखिए, आपके निशी मेजिकेर और रामानुजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेक्शन बी में। इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन के आने की पूरी संभावना है। और जीवी पटेल की आप ऑन क्लिंग एंट्री को लर्न कर सकते हो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, तो ये भी बहुत अच्छी है। सेक्शन सी की अगर मैं बात करता हूं तो दोनों ड्रामा, दोनों में से क्वेश्चन आएगा, 20 नंबर का क्वेश्चन और 4 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा तुम्हारे। तो आप डोल साउंड और दोनों अथवा में आएंगे, दोनों में से कोई सा भी लर्न कर सकते हो। डोल्स हाउस भी अच्छी कहानी है, नोरा की कहानी है इसमें, और इसमें अमल नाम के लड़के की द पोस्ट ऑफिस एक कहानी है, शॉर्ट प्ले है, ये दोनों में से लर्न कर सकते हो आप, दोनों अच्छे ड्रामा है। लेकिन अगर आप ज्यादा लर्न करना चाहें, ज्यादा मेरे अकॉर्डिंग प्रायोरिटी देना चाहूं तो मैं टैगोर के द पोस्ट ऑफिस को दूंगा। तो इस तरह से आपके एक पूरा ओवरव्यू होता है पेपर फर्स्ट का, सेकंड बी एस सेकंड ईयर के छात्रों के लिए। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। किसी भी इंक्वायरी के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बताएं। आपको नोट्स कोचिंग से मिल सकते हैं, नोट्स जिस भी छात्र को चाहिए वो नोट्स प्राप्त कर सकता है। मेरे फोन नंबर है 9928669902 8963043837। थैंक यू वेरी मच।